क्वेश्चन ये है कि एक थिन रॉड ए बी है जिसका लेंथ कैपिटल एल के इक्वल है और रॉड की लीनियर मास डेंसिटी म्यू ए प्लस बी एक्स बाई कैपिटल एल के इक्वल है, वेयर एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम एंड ए। तो अगर एंड ए से रॉड के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 7 कैपिटल एल बाई 12 के इक्वल है तो हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी में रिलेशन ऑब्टेन करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये थिन रॉड है और इसका लेंथ कैपिटल एल के इक्वल है। दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी, ठीक है। एंड वी हैव लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बाई कैपिटल एल, ठीक है। और गिवन है कि एंड ए से रॉड का सेंटर ऑफ मास 7 कैपिटल एल बाई 12 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एंड ए से एक्स डिस्टेंस जाके एक डी एक्स एलिमेंट कट करते हैं और मान लेते हैं कि इसका मास स्मॉल डी एम के इक्वल है। एंड वी हैव डी एम इक्वल टू म्यू इंटू डी एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बाई कैपिटल एल इंटू डी एक्स, ठीक है। एंड वी हैव एक्स एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू कैपिटल एल डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू कैपिटल एल, ठीक है। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट वी हैव एक्स एम इक्वल टू 7 कैपिटल एल बाई 12 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, डी एम इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बाई कैपिटल एल इंटू डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू कैपिटल एल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी एक्स बाई कैपिटल एल इंटू डी एक्स अगेन फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू कैपिटल एल, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट 7 कैपिटल एल बाई 12 इज इक्वल टू, तो ये जाएगा ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। सो आफ्टर पुटिंग लिमिट इट विल बी कैपिटल एल स्क्वायर बाई 2 प्लस ये जाएगा बी बाई कैपिटल एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3। सो आफ्टर पुटिंग द लिमिट इट विल बी एल क्यू बाई 3, ठीक है, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। तो हो जाएगा ए इंटू एक्स दैट इज कैपिटल एल आफ्टर पुटिंग द लिमिट प्लस बी बाई कैपिटल एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। सो आफ्टर पुटिंग द लिमिट इट विल बी कैपिटल एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इक्वल टू, तो इसमें एल कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल कॉमन ए बाई 2 प्लस बी बाई 3, ठीक है। एक कल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक कल नीचे से कैंसिल होगा और एक कल हमने कॉमन लिया हुआ, ठीक है, डिवाइड बाई, तो यहाँ पर एक कल कैंसिल हो जाएगा और एक कल ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। अगेन ये एल और ये एल भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 7a प्लस 7b बाई 2 इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6a प्लस 4b। सो दिस इंप्लाई दैट तो 6a इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू 4 माइनस 3.5 तो जाएगा 0.5 दैट इज़ b बाई 2।
So this implies that B is equal to 2A. ठीक है, तो आंसर हो गया और इसमें से ये सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.